स्विट्जरलैंड, एक ऐसा देश जिसे बॉलीवुड ने हिंदुस्तान की सबसे डिजायर्ड इंटरनेशनल ट्रैवल डेस्टिनेशन बना दिया है। पर क्या स्विट्जरलैंड सच में इतना ज्यादा खूबसूरत है? मैं हाल ही में गया स्विट्जरलैंड के एक बेइंतहा खूबसूरत टाउन जरमैट में, और आज की कहानी इसी सपनों की नगरी से है। मेरी इस जर्नी की शुरुआत हुई स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े शहर ज्यूरिख से। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ज्यूरिख। सुबह के कुछ 5 बजे, एक्चुअली 5 भी नहीं बजे, और मैं उठ चुका हूँ। प्लान है कि अभी हम निकलेंगे यहाँ से मैं थोड़ा वॉक करके जाऊँगा एक स्टेशन की तरफ, वहाँ से दूसरी ट्रेन लेके और पहली ट्रेन लेके पहुँचूंगा यहाँ के मेन स्टेशन में जो ज्यूरिख HP है, और वहाँ से मैं अपनी आज की मेन जर्नी की शुरुआत करूँगा जो पहाड़ों की तरफ जा रही है। तो मज़ा आने वाला है, बहुत ठंड होने वाली है और मैं अभी बहुत स्लीपी हूँ, इसलिए थोड़ा स्लीपी साउंड कर रहा हूँ। अभी सामान फाइनल पैकिंग करते हैं और निकलते हैं यहाँ से ट्रेन स्टेशन की तरफ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में पहली ट्रेन यहाँ से निकलेगी। स्विट्जरलैंड के काफी बड़े फोटोग्राफी कंपटीशन में हारने के बाद शायद जर्मैट की जर्नी मेरे लिए एक थेरेपी थी, पर इस कहानी में भी एक ट्विस्ट आया। इंटरेस्टिंगली, जर्मैट की ट्रिप में लास्ट मिनट में मेरा को-ट्रैवलर बना शॉन। शॉन कौन? शॉन वही जिसने इस कंपटीशन में मुझे हराया था। तो फिर क्या इस जर्नी पे शॉन और मैं दोस्त बन गए, या हमारा ट्रिप काफी ऑकवर्ड रहा? वेल, वी'ल सी। ऑल राइट, जर्मैट में आपका स्वागत है। हम पहुंच गए हैं यहाँ पे लाल रंग की गाड़ी में, लाल रंग की जैकेट पहन के, कुछ ज़्यादा ही लाल एक साथ एक फ्रेम में दिख रहा है। इट्स टू मच, आई नो, बट एनीवे इट्स अ ब्यूटीफुल डे हियर। बहुत सुंदर बाहर धूप है, आई कैन सी माउंटेन्स, लॉट ऑफ स्नो, बहुत सारे लोग भी हैं, तो वीकडे पे भी पॉपुलर डेस्टिनेशन लग रही है, तो जाके देखते हैं। बाहर अभी मैं आपको यहाँ पे एक साइन बोर्ड दिखाता हूँ सबसे पहले, जहाँ पे बहुत सारी भाषाओं में स्वागत लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा है स्वागत, विच इज क्वाइट नाइस। बेहद ही खूबसूरत सुबह है आज जर्मैट में, और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ की थोड़ी सी कहानी भी बता देता हूँ सुबह सुबह वीडियो के शुरुआत में ही, ताकि आपको भी थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ में आए कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये बेसिकली जर्मैट काफ़ी पुराना टाउन है, 13वीं शताब्दी का है, और ये काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे अलग अलग लोगों ने रूल किया है इसके ऊपर। अभी ऑफकोर्स ये स्विट्जरलैंड का पार्ट है, और ये फेमस है एक माउंटेन पीक के लिए जो एक्चुअली यूरोप की शायद सबसे ज़्यादा फेमस माउंटेन है आल्प्स में, जिसका नाम है मैटरहॉर्न। जर्मैट एक्चुअली जिस पीक के बेस पे ही है, ग्राउंड पे है, जहाँ से आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। मेरे सामने है पीक, मैं बिल्कुल अपने सामने देख पा रहा हूँ। एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे टूडे, आज बहुत क्लीन क्लियर सनी डे है, तो आज स्टनिंग व्यूज़ है। बहुत बार लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत लकी नहीं होते हैं कई बार, तो उनको अच्छा व्यू नहीं मिलता है, बट समाओ मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मैं 2 रात स्पेंड करने वाला हूँ और अगले 2-3 दिन पूरी तरह से सनी दिन होने वाला है। सो ये माउंटेन इतनी फेमस क्यों है? कई कारण है इसके फेमस होने के। एक तो इसका जो आकार है बहुत यूनिक है, बिल्कुल पिरामिडल शेप का है। अगर आप एक फेमस चॉकलेट है टॉब्लरॉन वो जानते होंगे, उसका लोगो कई सालों तक, इनफैक्ट लास्ट ईयर तक ये माउंटेन ही था, क्योंकि वो स्विस ब्रांड है और ये स्विस सॉर्ट ऑफ मॉन्यूमेंट है, मतलब इट इज़ सो फेमस, लोग दूर दूर से दुनिया भर से देखने के लिए आते हैं यहाँ पर। दूसरा एक और इसके फेमस होने का कारण ये है कि इसको क्लाइंब करना बड़ा मुश्किल है। इनफैक्ट 1865 तक, 1865 तक किसी भी ह्यूमन ने यहाँ पर क्लाइंब नहीं किया था, और जो पहला एक्सपीडिशन हुआ था जो सक्सेसफुल हुआ था वो 65 में ही हुआ था। तो सब 7 लोग साथ में गए थे, 7 में से 4 लोग एक्चुअली ज़िंदा नहीं रह पाए, और केवल 3 लोग बचे इस एक्सपीडिशन में, पर उन 3 लोगों ने पहली बार स्केल किया मैटरहॉर्न के समिट तक, और इसीलिए ये साल काफ़ी आइकॉनिक साल माना जाता है मैटरहॉर्न की हिस्ट्री में। अभी भी ये बहुत मुश्किल माउंटेन है क्लाइंब करने के लिए, और इट्स नॉट ऑफन दैट यू सी दैट पीपल आर क्लाइंबिंग। थोड़ा टेक्निकल है और थोड़ा ट्रेनिंग करके लोग आते हैं, मेरा कोई प्लान नहीं ऊपर जाने का। इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि यहाँ पे आप माउंटेन के ऊपर तो नहीं जा सकते, पर उसके बहुत पास जा सकते हैं।
तो ज़र्मेट एक्चुअली पॉपुलर इसलिए क्योंकि यहाँ से लोग, एक तो व्यू ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है, दूसरा ये है कि आप माउंटेन के बहुत पास जा सकते हैं। तो यहाँ पे माउंटेन रेल्स हैं जो थोड़े डिफरेंट होते हैं रेगुलर रेल से, आप उसके ऊपर बैठ के काफ़ी करीब जा सकते हैं। मेरा प्लान अगले 2 दिन में यही करने का। उसके अलावा अगर पैराग्लाइडिंग हो पाएगा तो पैराग्लाइडिंग करेंगे, क्योंकि पैराग्लाइडिंग में भी आप काफ़ी क्लोज फ्लाई करते हैं मेटर वन के, एंड इट साउंड सो अमेजिंग कि अगर वो कर पाए तो दैट्स अनदर वन दैट आई वुड लव टू डू। तो या मैनी प्लान्स फॉर द डे, देखते हैं कि अगले 2-3 दिन में कितना कुछ कर पाएंगे, पर जो भी करेंगे आपको साथ में ले जाएंगे, सो विल सी इट ऑल टुगेदर। ये एक्चुअली स्विट्जरलैंड का मे बी सबसे फेमस हिस्सा है, मतलब सबसे ज़्यादा वेल नोन स्विट्जरलैंड में यही जगह है। मैं पहली बार आ रहा हूँ अपनी 3री विजिट में यहाँ पर, बट होपफुली मैं भी आपको यहाँ की खूबसूरती को दिखा पाऊँगा और हम इकट्ठे इकट्ठे साथ साथ मैटरहॉर्न को एक्सप्लोर करेंगे। So Sean is here, and Sean and I will be exploring the city together. Is he with his? Oh, Fuji. Hello, Fuji. Yeah, I'm so excited to shoot. You cheated on Sony. I cheated on Sony. I love this little camera. This is like my everyday camera. Which one is this? This is the Fuji X100V. It's just a great little everyday camera. You just throw it over your shoulder, take it out, good to go, and it takes really good pictures too. काफ़ी देर से घर में बैठा था तो मैं थोड़ा सा रेस्टलेस हो गया, तो अभी निकल पड़ा टाउन की तरफ। अभी पता नहीं क्या करेंगे, कॉफ़ी तो डेफिनेटली पीऊँगा मैं, क्योंकि कॉफ़ी तो अच्छी होती है हमेशा ही, बट ये जगह बड़ी महंगी है तो थोड़ा सोच समझ के खर्चा करना पड़ेगा। तो बहुत खर्चा होने वाला है, बहुत खर्चा। गरीब हिंदुस्तानी आदमी आके यहाँ पे पैसा खर्च कर रहा है अकेला। दोस्त है मेरे साथ मेरा, बट यू नो फिर भी इट्स वन ऑफ दोज कपल गोल्स काइंड ऑफ प्लेसेस जहाँ पे आप अपने पार्टनर्स के साथ आते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और पार्टनर्स को भी अच्छा लगेगा। पर हम अकेले अकेले घूम रहे हैं। तो हम लोग हाइक करके अभी थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग से पॉइंट पे आ गए हैं, इसका नाम मैटरहॉर्न व्यू पॉइंट है। काफ़ी स्टीप सा वॉक है, व्यूज बहुत सुंदर है, तो वर्थ इट है। सुप्रभात फ्रॉम ज़र्मट, आज दूसरा दिन है और मैं सुबह सुबह करीब 6:15 बजे निकल गया हूँ घर से। अभी मैं जा रहा हूँ ट्रेन स्टेशन की तरफ। आई होप आपको कल शाम के हमारे एडवेंचर्स अच्छे लगे होंगे, बहुत मज़ा आया था शूट करने में, एंड होपफुली आई गॉट सम गुड पिक्चर्स टू। बट द प्लान इज़ कि अभी स्टेशन जाएंगे, वहाँ से एक ट्रेन लेंगे जो करीब 20 मिनट में है, अभी नहीं आधा घंटे में है, और उसको लेके ऊपर जाएंगे। ये माउंटेन ट्रेन्स हैं तो मेरे पास स्पेशल माउंटेन पास है वहाँ पर जाने के लिए, माउंटेन रेल पास, और वहाँ से एक हाइक करके एक सुंदर सी लेक है, एक तालाब है, वहाँ जाएंगे और वहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन शॉट्स ट्राई करेंगे। इट्स रियली डार्क, कोई भी बाहर नहीं है, पूरा शहर सो रहा है, मैं ही उठाऊँ। ट्रेन के भीतर आ गए, अभी एडवेंचर शुरू हो गया है। हम अपने आखिरी स्टॉप पहुंच गए, मतलब मेरे आखिरी स्टॉप पहुंच गए जहां से हम वॉक शुरू करेंगे लेक की तरफ। बेहद बेहद खूबसूरत मॉर्निंग है, मेरे बालों में तो हवाएं आई हुई हैं, सो दे ऑल फ्लाइंग ऑल ओवर, डजंट मैटर, इतनी सुंदर जगह है और क्या चाहिए इंसान को लाइफ में। मेरा ज़र्मेट का फेवरेट एक्सपीरियंस था यहाँ कॉक ट्रेन से यूरोप के हाईएस्ट होटल गॉर्डनर ग्रैंड जाने का।
विंटर्स अभी शुरू नहीं हुए थे पर ठंड काफी ज्यादा ऑलरेडी थी। सो हम अपनी डेस्टिनेशन, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन गॉर्डनर ग्रैड पे पहुंच गए हैं। काफ़ी पॉपुलर जगह है, सब लोग सबसे पहले ऊपर ही आते हैं। हम पहले लेक में चले गए थे। जर्मेट केवल लोग नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए नहीं बल्कि एडवेंचर्स के लिए भी आते हैं। विंटर्स में यहाँ सबसे बड़ा एडवेंचर है स्कीइंग। मैंने भी सोचा थोड़ा एडवेंचर तो ट्राई कर ही लेता हूँ और कूद पड़ा पहाड़ से टू सी मैटरहॉर्न अप क्लोज एंड पर्सनल। So to answer my previous question, yes, Sean and I did become friends on this trip. हमने photography, social media, business, relationships, सब कुछ discuss किया, and I genuinely enjoyed his company. In fact, मैं बहुत खुश था कि वो इस trip में मेरे साथ था, क्योंकि अकेले शायद मैं bore हो जाता। मुझे उम्मीद है आपको Zermatt की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो YouTube में से जरूर like करें। कोई सवाल या फीडबैक है तो कमेंट्स में जरूर पूछें और मेरी ट्रैवल जर्नी को फॉलो करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। अभी के लिए अलविदा।